अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका भाई अनम नियाजी आपकी YouTube चैनल रियल बकरालवर में आपका स्वागत करता हूँ। 2024 बकरा डेट याद रखना, महीना याद रखना भाई। इस बार जो है मध्य प्रदेश में भाई इतने कंपटीशन है भाई, आपको मजा आ जाने वाला है। एक और नए कंपटीशन में आ गया हूँ भाई, मैं आपको पूरी वीडियो दिखाने वाला हूँ और इस वीडियो में आपको मैं महू में जो है कॉम्पिटिशन होने वाला है उसके बारे में बताऊंगा और सबसे मिलवाऊंगा बड़े बड़े बकरे वालों से, बढ़िया बकरे भी दिखाऊंगा आपको। तो वीडियो को पूरा देखें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें और लाइक करना मत भूलो। तो कंपटीशन की वीडियो आप लोगों को दिखाने से पहले थोड़ा सा इंटरव्यू ले लेते हैं हम लोग उस्तादों से। तो सबसे पहले हम लोग शरीफ उस्ताद से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम शरीफ भाई। वालेकुम सलाम भाई। शरीफ भाई ये बताइए कि हम लोग अभी कहाँ मौजूद है और किस पर्पस से मौजूद है? हम मऊ में जी, जो कि बकरेबाजी में भरई में सबसे पहला नाम आता था मऊ का, और ये बहुत पुरानी जगह है। तो यहाँ पे जो हमारे पुराने जो दो तीन जो बुजुर्ग हैं उनका इंतकाल हो चुका है, तो ये प्रोग्राम उनकी याद में करा है हम लोगों ने जी। ये सब हम लोग साथ के ही है। अच्छा ये बताइए कि जो बकरा कंपटीशन है इसके लिए ये किस लिए कर रहा है अपन, इसकी वजह क्या है? ये इसलिए कर रहा है कि जो हमारे साथ में दूसरे लोग भी जो नए नए लोग जुड़ रहे हैं उनकी हौसला अफजाई के लिए है ये। और अभी तो क्या है कि इंशाल्लाह जो हो गया है अलग अलग दो तीन जगह पे, अब आने वाले साल में इंशाल्लाह सब बैठ के बात करेंगे और एक ही प्रोग्राम करवाएंगे माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम आरिफ भाई। अस्सलाम जी आरिफ भाई, बताइए हम लोग इस प्रोग्राम के बारे में कुछ बताइए। भाई ये प्रोग्राम रखने की निस्बत ये थी कि सब बकरे का शौकीन जो है MP के क्या हिंदुस्तान के सब जुड़े और एक दूसरे से मिले जुड़े और इससे शौक बड़े बकरों का, मेन मकसद ये था बकरों का शौक बढ़ाना और एक दूसरे से मिलना मिलाना हो जाता। क्या काफ़ी टाइम से चर्चा चल रही थी कुछ सालों से हमारे यहाँ भी बाहर भी कि महू से बकरेबाजी शुरू हुई MP की, महू से ही भरई शुरू हुई MP में बकरेबाजी की, लेकिन महू वाले ही नहीं रखते हैं कोई प्रोग्राम कॉम्पिटिशन। तो वो देखते हुए हम लोगों ने कॉम्पिटिशन रखा और अल्लाह का करम रिया, बड़ा एहसान रिया कि भाई लोगों ने साथ दिया, मोहब्बत रही, सबको सबने बड़े खुलूस के साथ हम लोगों को कंधे से कंधा मिला, हम लोगों का कॉम्पिटिशन को कम्प्लीट करा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भाई मामा हारून मामा जोधपुर से आए तशरीफ लेके हमारे चीफ गेस्ट जी, और इंशाल्लाह अगली बार भी रहेंगे जी। तो ये हमारे चीफ गेस्ट और हमारी मोहब्बत देखते हुए ही आए हमारे लिए और अल्लाह करम से अच्छे बकरे अभी MP के कॉम्पिटिशन में सबसे भारी बकरे और अच्छे बकरे तुले इन लोग मऊ में, तो अल्लाह का बड़ा एहसास है। तो ये तो उन लोगों को पैगाम है जो कहते थे कि मऊ की बकरेबाजी ख़त्म हो गई है या गारत हो गई है, तो वो चीज़ देखते हुए हम लोगों ने किया है कि आज भी अल्लाह का शुक्र है कि मऊ वाले पर्दे पे आते नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन आज भी पैर दबवाते हैं अल्लाह का। सही बात है। अच्छा आरिफ भाई ये बताइए कि इसका रिजल्ट जो फाइनल करेंगे अपन जी, इसकी कोई डेट मंथ मुकर्रर कर लिया है अभी? रमजान ईद के ठीक 15 दिन बाद इंशाल्लाह रिजल्ट रहेगी, मीडी ईद के 15 दिन बाद। 15 दिन अच्छा मुकाम क्या होगा? यही मऊ में ही रहेगा, मऊ में ही होगा। वो इनकेस्ट कोई ऐसा मसला आ गया तो वो एक अलग चीज़ है, बाकी इंशाल्लाह मुकाम तो मऊ ही रहेगा और सब बकरे वही खुलेंगे। अपन ने उसके अंदर स्पेशल दो इनाम और रखे हैं जी, तो एक बकरे की जो बनावट रहेगी सबसे अच्छी बनावट वाला बकरा वो कॉम्पिटिशन में हो या नहीं हो उसको भी स्पेशल इनाम दिया जाएगा, और एक MP का सबसे ज़्यादा वजन का जो बकरा हो वो चाहे हमारे कॉम्पिटिशन में हो या ना हो या बेचने का हो या कुर्बानी का हो वो कॉम्पिटिशन में ला के ना भी तोड़े या यहाँ ला के पंचों में नहीं तोड़े वो अपने घर पर ही वेट दिखा दे कमेटी वालों को, तो उसको भी स्पेशल इनाम एक बेस्ट प्राइज दिया जाए। ठीक है, अल्लाह आपकी जो निस्बत है और उसको कबूल करे और आपका प्रोग्राम को है कामयाब बनाए। जिसमें कि हमारे आरिफ भाई और हाजी मुस्ताद भाई, सदीप भाई, वही भाई गोलू भाई जैसे अपने मुर्तजा शेख सागिर साहब इंदौर से और अयू भाई इंदौर से, ये तमाम कमेटी के मेंबर तस्वीर फरमा है, आप सभी भाइयों के बकरे इनकी मौजूदगी में तोले जाएंगे और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी जगह से और काफ़ी वक्त से ये चीज़ें देखने को मिल रही है। मेन मकसद है इन भाइयों का बकरा कंपटीशन करवाने का इस शौक को बढ़ावा देना, अगर इस शौक को अपन शौक से देखेंगे तो इंशाल्लाह
इस बकरे वाली को बहुत से नए नए और ऊंचे ऊंचे आयाम मिलेंगे जो कि मिलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अगर इस चीज को हम ऐसे ही जारी रखेंगे तो अपनी आने वाली नस्लें जो ऐसे ऐसे गेमों में ऐसे ऐसी चीजों में जो फंस रही है इंशाल्लाह वो इस शौक के अंदर जाएगी तो उनका मुस्तकबिल भी अच्छा होगा और इस शौक को भी बहुत बढ़ावा मिलेगा। और मैं आप सभी भाइयों का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे आपने जैन इंतजाम के लिए माइक दिया, आरिफ भाई और तमाम जितने भी कमेटी के मेंबर हैं और बुलावा दिया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र और आप लोगों की मोहब्बत है। और अभी कुछ वक्त में ही अपने प्रोग्राम शुरू हो जाएगा, जैसा कि आरिफ भाई ने बोला कि बहुत जल्द बकरे एक एक करके तोले जाएंगे। इसमें मेन कॉम्पिटिशन भेड़ गैंड का है, जो बकरा सबसे ज्यादा वजन लेगा वो बकरा विनर रहेगा। और इसके साथ में भी आरिफ भाई ने मुझे चीज और बताई है कल कि भाई भेड़ गैंड की बात तो एक तरफ है, एक अवार्ड और दिया जाएगा सिंगल अवार्ड जो कि बकरे की बनावट पे डिपेंड करेगा, मतलब उस बकरे में वजन कोई मायने नहीं रखेगा, जो बकरा सबसे बनावट में अच्छा लगेगा उस बकरे को भी एक स्पेशल इनाम दिया जाएगा। उसके अलावा एक इनाम इन्होंने और जो शायद कहीं पे भी किसी भी कंपटीशन में नहीं रखा गया है, पूरे एमपी के अंदर चाहे वो बकरा बेचने वाले का है चाहे कुर्बानी वाले का है, जो सबसे हैवी वेट बकरा होगा उसको भी माऊ बकरा कमेटी की तरफ से अवार्ड दिया जाएगा, उसको सम्मानित किया जाएगा पूरे एमपी के अंदर में, जो भी बकरा सबसे भारी हैवी वेट होगा। हाँ, और चाहे वो बकरा किसी भी कॉम्पिटिशन में हो चाहे नहीं हो, फिर भी हौसला अफजाई के लिए एक स्पेशल अवार्ड दिया जाएगा सबसे भारी एमपी का जो बकरा, और उस बकरे के लिए स्पेशल रियायत दी गई है कि उस बकरे को कहीं पे लाके तोलने की जरूरत नहीं है, चार कमेटी के मेंबर के सामने वो अपने घर पर ही तुलवा ले तो उसको मान्य होगा, जो सबसे हैवी वेट बकरा पूरे एमपी के अंदर होगा चाहे वो बेचने वाले का हो चाहे कुर्बानी करने वाले का हो। सिर्फ इसके पीछे एक ही मकसद है, हौसला अफजाई, ताकि बेचने वाले के भी हौसले बढ़े और कुर्बानी करने वाले के भी हौसले ऐसे ही बढ़ते रहे और अल्लाह ताला हम सबको हमारा हम सब का ये हुनर कायम रखे और भारी से भारी बड़े से बकरे तैयार करवाते रहे। तो मैं इसी के साथ में हमारे मुर्तजा भाई को दावत दूंगा जैन इंतजामत के लिए, तो आगे की बात वो चंद बातें जो भी कहेंगे वो कहेंगे। इसके साथ में सुना बजरा मैं गुजारिश चाहूंगा इससे पहले हम अपना राइडम शुरू करें, मैं चाहता हूं कि हमारे मेहमान खुसूसी और कमेटी के हजरात का इस्तकबाल महू कमेटी की तरफ से कर दिया जाए। उर्दू जाओ भाई, थोड़ा मेहरबानी पीछे
85 छन्नू 85
भाई
माशाल्लाह बकरे सब एक से एक खूबसूरत भी बकरे थे और वजन में भी बकरा है, 140-145 किलो तक का भी बकरा तुला है और 90 किलो का भी बकरा तुला है और खूबसूरती में भी बहुत से बकरे तुले। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं लगभग हर कंपटीशन में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने दोस्तों ने बुलाया और मोहब्बत से बुलाया, मैं गया हूँ, मौजूदगी रही है मेरी। मैंने हर जगह ये चीज़ देखी कि इस चीज़ से इस शौक को बहुत अच्छा बढ़ावा मिल रहा है और हिंदुस्तान के अंदर एक मिसाल कायम हो रही है हर जगह। सबसे बड़ी चीज़ ये चीज़ देखने जो मिली है वो MP के अंदर मिली है। चार जगह के जो कंपटीशन थे उस कंपटीशन में जो उत्साह देखा गया और मैं कहता हूँ अल्लाह ताला सबका हुनर ऐसे ही बाहर निकाले और सबको नवाजे अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं तो यही चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के हर स्टेट में हर नस्ल के अंदर ये कंपटीशन होने चाहिए ताकि इन बकरों शौक को बढ़ावा मिले और छोटे जो नए शौकीन हैं उनको भी हौसला अफजाई और आगे से आगे बढ़ते रहे। अपनी तो यही दुआ है। बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा अल्हम्दुलिल्लाह, कल उज्जैन का भी और आज मऊ का भी प्रोग्राम रहा। मैं एक बार फिर से मऊ वालों का, उज्जैन वालों का, पूरे MP वालों का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा।
कहूँगा कि उन्होंने मुझ जैसी नाचीज को एक चीफ गेस्ट से नवाजा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है और अल्लाह ने मेरे को यही दौलत से नवाजा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र और एहसान है। एक बार हम मामा से कहते हैं, मैं तवज्जो चाहूँगा शरीफ भाई और तमाम जितने भी मौजूद हैं यहाँ पे, कि अर्ज किया है कि तू कातिल तेरा तिल तिल कातिल, तू कातिल तेरा तिल तिल कातिल, किस किस को इल्ज़ाम दूँ, यहाँ सब कातिल ही कातिल।